दिस इज राहुल मुंशी और आज हम लोग इस वीडियो में कुछ एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स 24 अक्टूबर 2019 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो मैं बनाता रहूं तो आप लोग को टाइम टाइम वो अपडेट मिलती रहे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं मेरे आज के पहले पॉइंट के साथ में। तो आज का पहला पॉइंट है BSNL एंड MTNL टू बी मर्ज्ड। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड और MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये दोनों को सरकार मर्ज करने जा रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी है। ये काफी पिछले कुछ समय से लॉस में चल रही थी, तो अब सरकार इन दोनों को मर्ज करने जा रही है और अब से MTNL BSNL की एक सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी। ठीक है, ये हमारी आज की पहली पॉइंट थी। हमारा दूसरा पॉइंट है इंडियन कैप्टन मिताली राज, जो भारतीय क्रिकेट की महिला कैप्टन है, बिकम्स फर्स्ट फीमेल प्लेयर टू कंप्लीट टू डिकेड्स। ये ऐसी पहली महिला प्लेयर बन गई है जो कि अपने खेल के दौरान 20 साल तक उस खेल को खेलती रही हैं। पहली महिला ऐसी बन गई है। ठीक है, मिताली राज इंडियन कैप्टन। हमारा आज का थर्ड पॉइंट है सौरभ गांगुली टेक चार्ज एज द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। सौरभ गांगुली, पिछले कुछ दिनों से हमने हमारे पहले वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि सौरभ गांगुली की BCCI प्रेसिडेंट के बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो फाइनली उन्होंने आज के दिन एज ए प्रेसिडेंट का पदभार संभाल लिया है BCCI का। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट हाइक्स MSP। सरकार MSP की जो दर है वीट और पल्सेस, जो रबी क्रॉप होते हैं उनका, हमारे देश में दो तरह के क्रॉप्स होते हैं, एक रबी क्रॉप एक खरीफ क्रॉप, तो ये जो वीट और पल्सेस ये रबी क्रॉप के अंदर आते हैं, तो रबी क्रॉप में दो ऐसे क्रॉप वीट का और पल्सेस का MSP सरकार बढ़ा दी है। MSP क्या होता है? MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जब भी किसान कोई भी अपना क्रॉप को रोकते हैं तो सरकार के तरफ से उनको एक मदद दी जाती है कि आप अपने एग्रीकल्चर को चालू रखिए, इनकेस किसी भी सिचुएशन में अगर आपको आपके हिस्से का या आपको आपके अंदाज का जो उनका हक होता है वो नहीं मिलेगा, तो सरकार आपको सपोर्ट करेगी MSP के द्वारा। तो MSP अभी बढ़ा दी गई है, हमने देखा वीट के लिए 85 रुपये पर क्विंटल और पल्सेस के लिए 225 रुपये पर क्विंटल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अभी हमारा आज का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ल्ड बैंक विल नाउ इंक्लूड कोलकाता एंड बेंगलुरु। वर्ल्ड बैंक जो कि एक रिपोर्ट प्रिपेयर करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो अभी तक इंडिया के दिल्ली और मुंबई को लेती थी, उनका डेटा लेती थी अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट बनाने के लिए। अब से वो दिल्ली और मुंबई के साथ साथ वो कोलकाता और बेंगलुरु का भी रिपोर्ट को स्टडी करेगी। इसका मतलब कि अब कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई सभी का रिपोर्ट को स्टडी किया जाएगा, तब एक फाइनल कंक्लूजन पे आया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जब वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट पब्लिश करेगी। तो इससे ये भी माना जा रहा है कि इंडिया का जो करंट रैंकिंग है 77th, उससे इंडिया थोड़ा और सुधरेगा और उसका रैंकिंग में थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हैदराबाद अमंग सेफेस्ट मेट्रोपोलिटन सिटीज इन द कंट्री। हैदराबाद को देखा गया है एक सर्वे के द्वारा कि वो अमंग द सेफेस्ट मेट्रोपोलिटन सिटी है, मतलब यहां पर काफी ज्यादा सेफ लोग हैं, सेफ महसूस करते हैं अपने आप को और सेफ हैं, खास करके महिलाएं या फिर ऐसे लोग जो बाहर से जाकर के वहां काम करते हैं वो सेफ हैं, ये एक सर्वे में पाया गया है। तो ये हैदराबाद है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाइट बेलबर्ड द वर्ल्ड्स लाउडेस्ट बर्ड। वर्ल्ड का जो लाउडेस्ट बर्ड है, जो कि अपने अपने मुंह से आवाज निकालती है, इस बर्ड का नाम है व्हाइट बेलबर्ड, जो कि सबसे ज्यादा लाउड इनका वॉइस होता है। ठीक, इस नाम को याद रखिएगा व्हाइट बेलबर्ड। हमारा आज का नेक्स्ट पॉइंट है IIT जोधपुर फैब्रिकेट्स हाईली सेंसिटिव डिवाइस टू डिटेक्ट लीड। IIT जोधपुर ने अभी एक डिवाइस को बनाया है जो कि बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, इससे लेड को इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। लेड अगर किसी भी वस्तु में है तो उसको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि लेड बहुत ही हानिकारक, बहुत ही घातक चीज होता है। ठीक है, हमारा आज का नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल टू एनुमरेट स्नो लेपर्ड। एक हमारे देश में एक पहला नेशनल प्रोटोकॉल बनाया जा रहा है स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए। ये सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है
जिससे कि हमारे देश में जो भी स्नो लेपर्ड बचे हुए हैं, स्नो लेपर्ड खास करके ऐसी जगह पर रहते हैं जो बर्फीली जगह होती है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का एरिया हो गया या फिर हिमाचल प्रदेश का एरिया हो गया, या अगर नीचे की तरफ हम लोग हिमालय के और नीचे तरफ में आते हैं तो सिक्किम का एरिया हो गया, जहां पर आपको स्नो देखने को मिलता है वहां पर स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। जो कि अभी ये भी देखा जा रहा है कि हमारे कंट्री में स्नो लेपर्ड की संख्या करीब करीब 500 से लेकर 700 तक है, इतनी ही बची हुई है। इसीलिए सरकार ये अपने मुहिम को तेज की हुई है, एक नेशनल प्रोटोकॉल बनाया गया है ताकि स्नो लेपर्ड को बचाया जा सके। हमारा आज का नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन रेलवेज इंस्टॉल इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। भारतीय रेलवे ने अभी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल किया है, यह है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। नॉर्मली क्या होता है ये किस रूट पे, मैं आपको बताता हूं, ये ग्रैंड कोड रूट में है, जो कि कोलकाता से दिल्ली जब कोई ट्रेन जाती है वाया गया, या फिर हावड़ा से मुंबई जाती है वाया इलाहाबाद, तो उधर बीच में क्या किया गया है, जो कि मैनुअल इंटरवेंशन होता था इंटरलॉकिंग करने के लिए, उसको हटाया जा रहा है। उसको हटाने से वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकली इंटरलॉकिंग होंगी, तो जो समय वहां पर नष्ट होता था, ट्रेन बहुत धीरे हो जाती थी, ट्रेन को रुकना पड़ता था, अब वो सब नहीं होगा। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हावड़ा से चल के जो ट्रेन दिल्ली तक पहुंचती थी, अब उसके समय में करीब करीब 6 से 8 घंटा, कम से कम 6 से 8 घंटा का बचत हो सकता है, जो कि यात्री लोगों को इसकी काफी सुविधाएं मिल सकती है। ठीक है, हमारा आज का नेक्स्ट पॉइंट है नो गवर्नमेंट जॉब्स इन असम फॉर पीपल। असम सरकार ने ये नोटिफिकेशन लाया है कि 1 जनवरी 2021 से ऐसे कोई भी कपल हो, ऐसे कोई भी माता पिता हो जिनका 2 से ज्यादा संतान है, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छी सोच है सरकार की, बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। तो ये असम सरकार द्वारा किया गया है कि ऐसे कोई भी लोग हैं, ऐसे कोई भी माता पिता है, कपल है, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी 1 जनवरी 2021 से। आज का हमारा लास्ट पॉइंट है पंकज कुमार न्यू सीईओ ऑफ UIDAI। पंकज कुमार को UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया सीईओ चुना गया है। तो ये हमारे आज के कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, जो कि अक्टूबर 2019 के आसपास के हैं ये। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोगों को ये जानकारी मिलती रहे और जो स्टूडेंट्स एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको फायदा होता रहे। थैंक यू सो मच।